रुक करते हैं प्रदेश की ओर। विश्व विख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में इस साल अश्विन नवरात्रों में लाखों श्रद्धालुओं ने मां ज्वाला की ज्योति के दर्शन किए और मां का शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। इन नवरात्रों के शांतिपूर्वक समापन के अवसर पर सभी पुजारियों ने एक क्विंटल देसी घी का हलवा व एक क्विंटल दूध की खीर का पहले माँ ज्वाला को भोग लगाया और फिर सभी भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा। विश्व विख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में इस साल अश्विन नवरात्रों में लाखों श्रद्धालुओं ने मां ज्वाला की ज्योतियों के दर्शन किए और मां का शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। इन नवरात्रों के शांतिपूर्वक समापन के अवसर पर सभी पुजारियों ने एक क्विंटल देसी घी का हलवा व एक क्विंटल दूध की खीर पहले ज्वाला माँ को भोग लगाकर सभी भक्तों में बांटी गयी। पुजारी अविनेंद्र शर्मा ने बताया कि आज माँ के नवरात्रों के चतुर्दशी है और ये एक नवरात्रों का विशेष दिन माना जाता है। इस दिन सभी पुजारियों ने एक क्विंटल 25 किलो देसी घी का हलवा व 101 किलो दूध की खीर बनाई और सभी भक्तों में बांटी। आज के दिन सभी पुजारी व स्थानीय लोग मंदिर में हवन करते हैं। हम सभी ज्वाला महामाई से प्रार्थना करते हैं कि नवरात्र सभी भक्तों के लिए मंगलदायी हों और खुशियां लेकर आए। महामाई अपने सभी भक्तों की रक्षा करे और सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करे। माता की आज शारदीय नवरात्रों की बाद चतुर्दशी का विशेष दिन है। आज के दिन जो लोग दशहरे के दिन माता जी का हवन यज्ञ नहीं कर पाते हैं, वो इस विशेष तिथि को महामाई का पूजन करते हैं और आज इसी पूजन के उपलक्ष्य में पुजारी वर्ग ने अपने सहयोग से महामाई के मंदिर में 101 किलो देसी घी का हलवा और 101 किलो दूध की खीर बनाकर माता जी को भोग लगाकर भक्तों में बांटी और महामाई से प्रार्थना करके महामाई ये नवरात्रे सबके लिए मंगलदायी हों, खुशियाँ लेकर आएँ और सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। सर्व रूपे सर्वे से सर्वशक्ति रूपे दशा दुर्गा देवता ब्रह्म ओम ज्वाला करार मृत्युम शेषा सुर सुधन सुर पात्र ने भीते भक्तकारी हो सकते। अर्थात महामाई सभी भक्तों की रक्षा करे, सभी भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करे। जय माता की।